हेलो दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसमें इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, सॉरी 1944 में, 45 में आए ये बेटन बोर्ड सम्मेलन के दौरान हुई थी। ठीक है, इसमें 189 देश हैं, ठीक, मेंबर इसके 189। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक, अब इसके उद्देश्यों की बात करें IMF के, इसके उद्देश्यों में शामिल है वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, सतत आर्थिक विकास, उच्च रोजगार को बढ़ावा देना, दुनिया भर में गरीबी कम करने का प्रयास करना, विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन संतुलन की समस्या को दूर करने का प्रयास करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके कार्यों की बात करें हम तो मुद्रा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों की बात कर लें हम लोग, तो निगरानी, ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की निगरानी करता है, विनिमय दर और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की, यह आर्थिक और वित्तीय नीतियां भी बनाता है। ठीक है, यह ऋण प्रदान करता है, यह क्षमता विकास, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, आर्थिक नीतियों के निर्माण में मदद भी करता है। आपको बता दें IMF के विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए ऋण भी प्रदान करता है IMF। ठीक है, IMF की रिपोर्टों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दो रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट लो रिपोर्ट। ठीक है, याद रखिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। IMF कोष निर्माण की बात करें तो वित्तीयन का प्रमुख स्रोत है कोटा, 25, इसमें 25% फ्लड या डॉलर में जमा होता है, शेष अपनी करेंसी में। ये कोटा में आवंटन अर्थव्यवस्था के आधार पर दिया जाता है। कोटे की गणना करें की बात करें तो आधार इसमें GDP है 50%, आर्थिक खुलापन है 30%, आर्थिक परिवर्तनशीलता है 15%, अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व है 5%। 14वीं कोटा समीक्षा की बात करें तो 26 जनवरी 2016 में हुआ। इसमें सबसे बड़ा कोटा धारक देश रहा है USA और सबसे छोटा रहा है तुवालू। ठीक है, 15वीं कोटा समीक्षा 2019 तक होगी। IMF में विशेष आहरण अधिकार SDR जारी करता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तरलता बढ़ावा देना है। इसके लिए SDR को पेपर गोल्ड भी कहते हैं और वैकल्पिक मुद्रा भी कहते हैं। 1969 में ये आई थी और रिजर्व मुद्रा भी कहते हैं इसे। ठीक, तो ये था IMF। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों।